मूवी की स्टार्टिंग में हमें 1978 का प्लाजा होटल न्यूयॉर्क का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे अरविंद नाम का एक आदमी जिसके बाल नहीं थे, उसने विग पहना था, वो बैठा हुआ था। पास में सिडनी नाम की एक लड़की आती है, इसके पीछे पीछे बहुत ही ज्यादा गुस्से में रिची आता है। वो अरविंद पर चिल्लाने लगता है। वो कहता है कि तुमने अपने आप को समझ कर क्या रखा है, तुमने उनसे कहा कि मैं तुम्हें सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, तुम भूल कैसे गए कि मैंने तुम्हारी कितनी हेल्प की है। इसके बाद अरविंद की विग वो हटा देता है, इससे अरविंद बहुत गुस्सा हो जाता है। तभी सिडनी उसके बाल ठीक करने लगती है। इसके बाद हम देखते हैं कि तीनों एक रूम में कहीं पर जा रहे थे। उनके पीछे रिची के हाथ में एक ब्रीफकेस है, इसमें बहुत सारे पैसे हैं। जिस रूम में वो जा रहे थे वहां पर दो लोग पहले से ही थे, इसमें से एक का नाम है कारमाइन और दूसरे का नाम था काल। इनकी बातों से ऐसा लगता है कि उनके बीच में एक बहुत बड़ी डील होने वाली है। यहाँ पर कारमाइन इन तीनों से बात करने से मना कर देता है। वो कहता है कि मैं सिर्फ शेख से ही बात करूंगा। उसे टालने के लिए रिची पैसों से भरा हुआ ब्रीफकेस उसके सामने डाल देता है। कारमाइन ने इस पैसों को ठुकरा दिया और इस बात से वो गुस्सा हो जाता है। वो फिर वहां से जाने लगता है क्योंकि उसे सिर्फ शेख से ही डील करनी थी और किसी से नहीं। यहाँ पर कारमाइन के साथ बात बिगड़ने पर रिची बहुत गुस्सा हो जाता है। तीनों में बहस हो जाती है। फाइनली रिची इरविन को कारमाइन को मनाने के लिए भेजता है। जब इरविन कारमाइन को मनाने के लिए जा रहा था तब हमें उसके लाइफ के पूरे फ्लैशबैक दिखते हैं। हमें पता चलता है कि बचपन में उसके फादर की ग्लास रिपेयरिंग की स्टोर थी। इसकी सेल्स बहुत ही कम होती थी। सेल्स बढ़ाने के लिए वो खुद ही दुकानों के कांच तोड़ आते थे। रिपेयर करने के लिए सब लोग फिर उनके ही पास आते। इसी के साथ हमें पता चलता है कि इरविन एक चोर था, पर उसका डिफरेंट टाइप का बिजनेस था। उसकी एक ड्राई क्लीनिंग की शॉप थी जहाँ पर नशे करने वाले अमीर लोग वहाँ पर आते थे और नशे में ही कपड़े देकर चले जाते थे। ये कपड़े वापस ले जाना वो भूल जाते। इन्हीं कपड़ों को इरविन बेच देता था और इससे वो पैसे कमाता था। इन्हीं सबके बीच एक दिन उसे सिडनी मिली। दोनों एक दूसरे को देखते ही रह गए। वो दोनों एक दूसरे से बात करते और उनमें फ्रेंडशिप हो जाती है। स्लोली स्लोली एक दूसरे के काफी करीब आ गए थे। दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। आगे चलकर इरविन उसे अपने बिजनेस के बारे में बताता है। कई सारे अमीर लोगों के कपड़े उसे गिफ्ट देता है। सिडनी को इतने सारे महंगे कपड़े पहनकर बहुत अच्छा लगता है। इरविन और वो फिर करीब आ जाते हैं। आगे हमें पता चलता है कि ड्राई क्लीन का बिजनेस उसका साइड बिजनेस है। एक्चुअली उसका बिजनेस लोगों को लोन देकर उनसे चोरी करना है। जिन भी लोगों को लोन नहीं मिलता उन लोगों को लोन दिलवाने का वादा करता है। इसके बदले उन लोगों से वो काफी छोटी अमाउंट मांगता है और इसके बाद उनके साथ स्कैम करता है। इसी बिजनेस में वो सिडनी को भी ज्वाइन करने के लिए कहता है। पहले तो सिडनी मना करती है पर बाद में फिर मान जाती है। बिजनेस में अगर लड़की साथ में हो तो क्लाइंट को फंसाने के लिए आसानी हो जाती है। सिडनी भी काफी शातिर थी, वो एक क्लाइंट के साथ फ्लर्ट करती है। ऐसे ही करते करते वो उनके बिजनेस को बहुत बड़ा बना देते हैं। यहाँ पर सिडनी इडित नाम से अपना पूरा काम कर रही थी। वो बहुत सारे लोगों को लूटते हैं। काफी पैसों के साथ इरविन और सिडनी काफी अच्छे से टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड कर रहे थे। वो बहुत मजे करते हैं। उन दोनों को देखकर ऐसा लगता है कि यही तो प्यार है। इनसे अच्छा कपल इस दुनिया में कोई हो नहीं सकता। इसके बाद हम देखते हैं कि इरविन की सच्चाई ये नहीं है। एक्चुअली उसकी एक वाइफ और छोटा सा बच्चा भी है। उसकी वाइफ का नाम रोजलिन है। रोजलिन और इरविन की रिलेशनशिप काफी खराब है। वो एक दूसरे से बहुत नफरत करते हैं। सिर्फ अपने बच्चे की वजह से एक दूसरे के साथ रह रहे हैं। रोजलिन हमेशा घर पर ही रहती है, बाहर जाना उसे पसंद नहीं। कभी भी वो खुश नहीं रहती। इरविन की इन सारे कारनामों के बारे में उसे कुछ भी नहीं पता। हमें पता चलता है कि इन्हें जो बेटा है एक्चुअल में इरविन का बेटा नहीं है। रोजलिन को ऑलरेडी ये बेटा था पर इरविन इस बेटे को अपने बेटे की तरह ही पालता है। रोजलिन के लिए इरविन के दिल में अब कुछ भी जगह नहीं थी। उन दोनों में काफी झगड़े होते थे। उनकी एक लड़ाई पर सीन कट होता है। नेक्स्ट सीन में हम इरविन को देखते हैं जो अपने नए क्लाइंट को फंसा रहा था। उनके न्यू क्लाइंट्स इरविन से बहुत ही आशा लगाए हुए थे इरविन उनका लोन पास कर देगा। इरविन शुरू शुरू में तो बहुत भाव खाता है पर जब वो क्लाइंट एक्चुअल में लोन के लिए चेक दे रहा था तभी सिडनी यानी कि इडित वो चेक ले लेती है। उतने में वहां पर दरवाजे में किसी की एंट्री हो गई। वो थे FBI एजेंट जो उन्हें पकड़ने के लिए आए थे। हमें पता चलता है कि वो क्लाइंट रिची ही था। रिची एक FBI एजेंट है। दोनों को पकड़ने के लिए सारा जाल उन्होंने बिछाया हुआ था। ये सब करते हुए रंगे हाथ वो दोनों पकड़े जाते हैं। उन्हें पुलिस कस्टडी में रखा जाता है। यहाँ पर सिडनी और इरविन से रिची पूछताछ करने लग जाता है। उन्हें वो काफी डराता है कि अब तुम्हारी पूरी जिंदगी जेल में ही बीतेगी। उनकी बातों बातों में पता चलता है कि रिची को इडित पर क्रश है। वो उनसे कहता है कि अगर तुम्हें जेल में नहीं जाना तो तुम्हारे पास एक ऑप्शन है। अगर तुम दोनों मिलकर मेरी हेल्प करो तो मैं तुम्हें जेल में नहीं डालूंगा। उन्हें चार बड़े क्रिमिनल्स को पकड़ना था। अगर उन्होंने हेल्प की तो उन दोनों को छोड़ देगा, उनके सारे चार्जेस ड्रॉप कर दिए जाएंगे। अब उनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं था। इरविन इसके लिए मान जाता है। इरविन प्लान बनाता है कि एक नकली अमीर शेख को यहाँ पर वो लेकर आएंगे, इससे काल डील करेगा। हमें पता चलता है कि काल भी इरविन की तरह एक चोर था। वो चोरी का सामान अमीर को बेचता है। यहाँ पर इरविन काल को शेख के बारे में बताता है। काल को कमीशन चाहिए था इसलिए कहता है कि मैं कारमाइन को भी डील में लेकर आऊंगा। अब यहाँ पर कारमाइन कौन है? एक्चुअल में न्यू जर्सी का मेयर था। वो न्यू जर्सी में बहुत ही पॉपुलर और पावरफुल भी है।
वहाँ के लोगों को हेल्प करने के लिए उसने बहुत सारे स्टेप्स उठाए। लोग उससे बहुत ही खुश है। इसी रीजन की वजह से कार्माइन वहाँ का 25 ईयर्स से मेयर है। हमें पता चलता है कि कार्माइन अब अटलांटिक सिटी को दोबारा खड़ा करना चाहता था और इसके लिए उसके पास पैसे नहीं थे। पैसों के चक्कर में वो बैंक जाता है पर वहाँ पर उसे लोन नहीं मिला। किसी भी हालत में उसे पैसे चाहिए थे ताकि वो अपना सपना पूरा कर सके। यहाँ पर कार्माइन के पास जाता है, उसे शेक के बारे में बताता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम रिची के बॉस को देखते हैं जो FBI के हेड थे। रिची के बॉस काफी खड़ूस थे और रिची से काफी जलते थे। रिची उसे कहता है कि हमें फेक शेक के अकाउंट में 8 करोड़ डॉलर्स डालने होंगे। कार्माइन की पहुंच बहुत ही लंबी थी। अगर उसने शेक के अकाउंट को चेक किया और उसमें अगर उसे कुछ भी नहीं मिले तो उसे पता चल सकता था कि ये शेक फेक है और उनकी सारी स्कीम एक्सपोज हो सकती थी। अकाउंट में पैसे डालने की बात सुनने के बाद रिची के बॉस उसे साफ साफ मना कर देते हैं। अब रिची को किसी भी हालत में वो पैसे चाहिए थे। तभी वहां पर इडित आती है, वो रिची को कुछ बताती है। वो डायरेक्टली ब्रांडा के पास पहुंच जाता है। ब्रांडा ही सारे पैसों को मैनेज करती थी। यहाँ पर कुछ ना कुछ कर इडित की मदद से वो पैसे निकाल लेती है और शेक के अकाउंट में वो डाल देते हैं। यहाँ इडित और कोई नहीं तो सिडनी ही थी। मैनेजर के साथ इडित ने दोस्ती कर ली थी। वो बहुत ही चालाकी से ये बात उनके बॉस के भी जीप के पास पहुंचा देती है कि उन्होंने पैसे क्यों लिए थे। अब यहाँ पर रिची के बॉस भी कुछ कर नहीं सकते थे क्योंकि हाई कमांड को ही आइडिया बहुत ही पसंद आया था। अब यहाँ पर रिची के चीफ ही क्रेडिट ले रहे थे कि ये सब प्लान उनका ही था। इडित रिची को हेल्प कर रही थी और रिची को भी लगने लग गया था कि वो भी उसे पसंद करती है। अब यहाँ पर ये सीन खत्म हो जाता है और मूवी के स्टार्टिंग में हमें जो सीन दिखाया गया था हम वहीं पर पहुंच जाते हैं। रिची कार्माइन को पैसे देने के लिए जाता है। कार्माइन वहां से उठकर चला जाता है। यहाँ पर सारी मीटिंग रिकॉर्ड हो रही थी लेकिन कार्माइन ने पैसे नहीं लिए थे। अगर वो पैसे नहीं लेता तो उसे पकड़ा नहीं जा सकता। फिर से हम इरविन का ही सीन देखते हैं। इसमें कार्माइन को मनाने के लिए उसके पीछे जाता है। रिची ने जो भी किया था उसके लिए माफी मांगता है। इरविन उसे बहुत मनाता है। आखिर में कार्माइन मान गया। यहाँ पर कार्माइन कुछ सोच कर इरविन और उसकी वाइफ को डिनर पर इनवाइट करता है। उसने रिची को वहां नहीं बुलाया था। नेक्स्ट सीन में हम पार्टी का सीन देखते हैं। यहाँ पर डिनर पर कार्माइन और इरविन की फैमिली भी होती है। बातों बातों में उन दोनों में बहुत ही अच्छी दोस्ती हो जाती है। वो लोग मिलकर बहुत मजे करते हैं। दूसरी तरफ रिची भी एडित के साथ मजे कर रहा था। रिची को अब लगने लग गया था कि वही उसका प्यार है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रिची और इरविन एक आदमी को शेक बनाकर कार्माइन के पास लेकर आते हैं। शेक को उन्होंने काफी कॉन्फिडेंस दिया ताकि कार्माइन को ये सब लगे। कार्माइन को भी लगता है कि एक्चुअल में असली अमीर शेख है क्योंकि उसने एयरपोर्ट से एंट्री ली थी। एयरपोर्ट से आता है और कार्माइन आकर दोनों उनसे मिलते हैं। कसिनो की पार्टी में आगे वो बात करने वाले थे। सभी लोग पार्टी में पहुंच जाते हैं। वहाँ पर हम रोजलिन को भी देखते हैं जो बहुत ही खुश है। वहाँ पर शेख आता है। कार्माइन उसको खुश करने की कोशिश करता है, उसे अपने कसिनो दिखाने लगता है, सारी महंगी महंगी चीजें दिखाता है। शेख ऐसी एक्टिंग कर रहा था कि वो एक्चुअल में शेख है और उसे इंग्लिश नहीं आती। इसके बाद हम देखते हैं कि बार में डेलाजियो के कुछ लोग आते हैं। डेलाजियो एक माफिया है, उसने बहुत सारे लोगों को मार दिया है। वो यहाँ के सारे बड़े बड़े कसिनो चलाता था। यहाँ पर वो भी शेख से डील करने के लिए आया था। उसे भी शेख के आने की खबर मिली थी और वो भी शेख से डील करने के लिए आया था ताकि उसे कुछ पैसे मिल सके। यहाँ पर कार्माइन उसे इरविन के पास जाने के लिए कहता है। अब इरविन को डर लग रहा था क्योंकि माफिया एक्चुअल में बहुत ही डेंजरस है। इरविन उन लोगों से बात करने के लिए डर रहा था पर इरविन की वाइफ रोजलिन तुरंत ही उन लोगों के पास पहुंच जाती है और बिना डरे उनसे बात करने लगती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि रोजलिन को उनके एक आदमी पर क्रश आ गया था। वहाँ फिर पीछे पीछे बाकी सारे लोग आते हैं, अपने शेख अब्दुल्ला को प्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं डेलाजियो, इरविन और कार्माइन, इन सब के बीच मीटिंग शुरू होती है। मीटिंग में डेलाजियो अपना पूरा प्लान बनाता है। इसमें उसका गोल था पूरे न्यू जर्सी में उसके कैसीनो खोले। इसके लिए कार्माइन से उसे परमिशन मिल जाएगी पर और भी बहुत सारे लोगों को उसे मनाना पड़ेगा। काफी सारे पॉलिटिशियंस को उसे पैसे देने पड़ेंगे, इसीलिए उसे शेख से पैसे चाहिए। अब हमें पता चलता है कि एक्चुअल में रिची का यही प्लान था कि डेलाजियो और कार्माइन ये दोनों साथ में ही पकड़े जाए। पहले तो इन सब में काफी बहस होती है पर फाइनली प्लान के अकॉर्डिंग शेख डील के लिए मान जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रिची बहुत एक्साइटेड था पर उसे पैसे और होटल में बुकिंग चाहिए। अच्छे होटल में बुकिंग इसलिए ताकि कार्माइन और डेलाजियो को शक ना हो कि उनके पास जो शेख है वो एक्चुअल शेख नहीं है। एक अच्छे होटल में उसे बुकिंग चाहिए थी, साथ में उसे वहां पर कैमरे और रिकॉर्डर भी लगाने थे। उसके बॉस इस बात पर चिढ़े हुए थे और उसे मना कर देते हैं। रिची फिर उन पर गुस्सा हो जाता है कि इसमें उसने बहुत सारा टाइम इन्वेस्ट किया है, बहुत मेहनत की है। सीधा और डायरेक्टली अपने बॉस के पास पहुंच जाता है, उन्हें वो बहुत मारता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में वो चीफ के सामने बैठे हुए थे, उनसे पूछते हैं कि एक्चुअल में हुआ क्या। रिची के बॉस कहता है कि आदमी पागल है, इसने मुझे जानबूझकर मारने की कोशिश की। चीफ उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता। रिची उनसे कहता है कि आप मेरी भी मजबूरी समझो, मुझे पैसे और होटल की बहुत जरूरत है, अपना पूरा
प्लान उन्हें समझाता है। चीफ इस पर काफी सोचते हैं और फिर हाँ कह देते हैं। वो कहते हैं कि अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो पहले साबित करो कि एक्चुअल में वर्क करेगा, मुझे कुछ प्रूफ दिखाओ। वो पैसे देने के लिए प्रूफ मांग रहे थे पर फिर भी उसे होटल बुकिंग दे देते हैं। होटल मिलने के बाद रिची जाकर वहां पर कैमरेज लगा देता है। फिर से हमें मूवी का स्टार्टिंग दिखाया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि कारमाइन और बहुत सारे पॉलिटिशियंस वहां पर थे, उन सब लोगों को घूस दे रहे थे और इसकी वीडियो बन रही थी। वहां पर अभी तक डेलाजियो के अगेंस्ट कुछ भी प्रूफ नहीं था। उसे पकड़ना पूरे देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था पर वहां पर डेलाजियो आया ही नहीं था। वहां पर डेलाजियो के अगेंस्ट प्रूफ जमा करने के लिए वो कुछ सोच रहा था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डेलाजियो के आदमी के साथ रोजलिन डेट पर जाती है। वहां पर बहुत ही खुश थी। वो आदमी और रोजलिन एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। उसे बता देती है कि FBI के साथ मिलकर मेरा हस्बैंड काम कर रहा है। इस बात पर डेलाजियो का आदमी कुछ सोचने लग गया। वो सीधा कारमाइन को लेकर इरविन के पास पहुंच जाता है। वो उसे बंदूक लगाकर सब कुछ पूछता है। इरविन झूठ बोल देता है कि मेरा FBI के साथ कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। वो कहता है कि ऐसा होता तो सारे पैसे मैं खुद खा लेता। उन लोगों को इरविन पर भरोसा हो जाता है। उसे मार पीट कर वो छोड़ देते हैं। इरविन को पता चल जाता है कि रोजलिन ने ये सब बताया हुआ था। वो घर जाकर उसे बहुत कुछ सुनाता है। उसे कहता है कि मुझसे दूर रहो। यहाँ पर नेक्स्ट सीन में हम रिची को देखते हैं, जो रिसर्च करने के बाद डेलाजियो के लॉयर के पास जाता है। लॉयर उसे कहता है कि डेलाजियो के सारे अकाउंट्स वही हैंडल करता है। रिची को सिर्फ डेलाजियो के साथ बात करनी थी। बातों बातों में रिची के लॉयर से बात निकलवा लेता है कि डेलाजियो को कैसीनो खोलना था, इसलिए काफी लोगों को घूस दे रहा है, इसके लिए वो कुछ भी कर सकता था। ये सारी बातें रिची की गर्लफ्रेंड पर्स से रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर रही थी। ये सब FBI चीफ अपने ऑफिस में बैठकर सुन रहे थे। अब रिची की बातों पर उन्हें भरोसा आता है। पूरा अमाउंट वो डेलाजियो के लॉयर के अकाउंट में डाल देते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि इरविन जेल नहीं जाना चाहता था पर कारमाइन के साथ इतने दिनों में उसकी फ्रेंडशिप बहुत ही अच्छी हो गई थी। इरविन ने कारमाइन के साथ जो किया था इसके लिए उसे बहुत ही बुरा लग रहा था। उसे पता था कि कारमाइन सिर्फ न्यू जर्सी के लोगों के लिए कुछ अच्छा करना चाहता है। वो फिर कारमाइन के घर पर पहुंच जाता है। उसने जो भी किया था सब कुछ उसे बता देता है। ये सुनकर कारमाइन को बहुत गुस्सा आया। वो इरविन को बहुत मारता है, मार मार कर उसे घर से बाहर निकाल देता है। उनकी दोस्ती यहाँ पर टूट जाती है। इसके बाद FBI के ऑफिस में हम रिची और उसके बॉस के चीफ को देखते हैं। वो काफी परेशान थे। तभी वहां पर इरविन और एडिट आते हैं। यहाँ पर चीफ उन्हें बताता है कि $8 करोड़ गायब हो चुके हैं जो कि डेलाजियो के अकाउंट में थे। ये अब किसी के भी अकाउंट में ट्रेस नहीं हो रहे, किसी को भी नहीं पता कि ये पैसे कहाँ पर गए। अगर ये पैसे नहीं मिलते तो FBI के रेपुटेशन के लिए बहुत ही बुरा होगा। इरविन कहता है कि मुझे नहीं पता कि वो पैसों का हुआ क्या। वो कुछ भी ना जानने की एक्टिंग करता है। रिची उसे गुस्से में कहता है कि तुम्हें सब कुछ पता है। इरविन फिर उसे बताता है कि जिस लॉयर से तुम मिले थे वो एक्चुअल में मेरा ही फ्रेंड था। वो डेलाजियो का लॉयर नहीं था। वो आदमी उसे उसी पार्टी में मिला था जहाँ पर सिडनी और इरविन की मुलाकात हुई थी। वो सारे पैसे उसी के पास ही है। इरविन शर्त रखता है कि अगर मेरे खिलाफ सारे चार्जेस तुम ड्रॉप कर दो तो मैं सारे पैसे तुम्हें लौटा दूंगा। जब उनके पास कोई रास्ता नहीं था वो इरविन के ऊपर से सारे चार्जेस ड्रॉप कर देते हैं। इरविन ने सारे पैसे FBI को वापस करती है। अब हम देखते हैं कि सारे करप्ट पॉलिटिशियन पकड़े जाते हैं। इनमें कारमाइन भी था। इरविन ने सब कुछ एक्सप्लेन किया था और इसी वजह से कारमाइन की सजा कम कर दी गई। पूरे ऑपरेशन का क्रेडिट रिची के बॉस ले जाते हैं। उन्हें लगता है कि रिची ने इसे अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट नहीं किया। हम रोजलिन को देखते हैं जो डेलाजियो के आदमी के साथ अफेयर में बहुत ही खुश थी। वो पहले बहुत ही दुखी रहती थी पर आजकल उसे बहुत ही अच्छा लग रहा है। इस बात से इरविन को थोड़ा सा भी बुरा नहीं लगता क्योंकि वो यही चाहता था कि रोजलिन खुश रहे। इसके बाद एंड में हम देखते हैं कि इरविन और एडिथ इन दोनों ने मिलकर बुरे काम छोड़ दिए थे। उन्होंने एक आर्ट गैलरी को ओपन कर लिया था। इरविन अपने बेटे और सिडनी के साथ बहुत ही खुश रहता है। यही पर मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। बहुत सारी मूवीज लेकर आते रहता हूं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाना मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।